नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कॉमोडिटी के इस आउटलुक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा करता हूँ, लास्ट वीक अगर आप लोगों ने मेरे कॉमोडिटी का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने जम के मुनाफा कमाया होगा। जी हाँ दोस्तों, जब सब कोई बोल रहे थे गोल्ड बाई सिल्वर बाई, एंड विकास वगड़िया ने आपको बताया था कि गोल्ड सेल सिल्वर सेल, मैंने एकदम फ्राइडे में मार्केट लाइव मार्केट में आप लोगों को लेवल्स दिया था कि इस लेवल्स पे आपको करना है एंड आपको ऐसे प्रॉफिट बनाना है। एकदम लाइव मार्केट का वीडियो मैंने दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए देखिए कि किस तरीके से सारे पैरामीटर्स पे मैंने एनालाइज करके दिया था कि सिंपली गोल्ड को किस लेवल पे बेचना है, सिल्वर को किस लेवल पे बेचना है। आप सोचिए, गोल्ड को बेचने पे जहां से मैंने टारगेट दिया था वहां से करीब करीब 1000 पॉइंट के करीब गोल्ड में मिला, एंड सिल्वर में तो दोस्तों 59,500 के नीचे का शॉर्ट दिया था, 56,400 का अल्टीमेट टारगेट दिया था वीडियो पे जो कि मेरा फ्री रहता है उस पे, 3,000 पॉइंट तो करीब करीब आपको उसमें बना। और मेरे पेड वाले सब्सक्राइबर को जो मेरे डायमंड रिसर्च रिपोर्ट है जो कि मैं एकदम एक्सक्लूसिवली वीकली लाता हूँ, उसमें तो दोस्तों गोल्ड सिल्वर में जम के मुनाफा है। सिल्वर में 5,000 पॉइंट, 4,500 पॉइंट हम लोग सिल्वर में लेके गए इसमें। मतलब आपको इतना प्री डिफाइंड एनालिसिस बहुत कम जन इंडिया में, क्या अब्रॉड में होगा, बहुत कम जन जो आपको ये प्री डिफाइंड एनालिसिस देगा, वो भी एक ट्रेंड चेंज के हिसाब से। मतलब जहां पे एक ट्रेंड पूरा ग्रीन था और पूरा ब्लू था कि हर कोई को लग रहा था कि दिवाली का सेशन है, गोल्ड भाग जाएगा सिल्वर भाग जाएगा, एवरीबॉडी वाज गिविंग अ टारगेट। मैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे देख रहा था ये, जब मैंने ये वीडियो डाला तो काफी जन ने मेरे को ट्रॉल भी किया कि दिवाली का सेशन है और आप सेल दे रहे हो। अरे भैया, दिवाली का सीजन है, चार्ट जो बोलते हैं अपने को तो वो करना है, मैं चार्ट के बाहर जाके कैसे काम करूंगा। एंड मैंने आपको देखे एकदम लाइव मार्केट में एनालिसिस करके, आवर्ली चार्ट दिखा के एनालिसिस करके दिखाया था कि कैसे ये गिरेगा, एंड देन इट ब्लास्टेड, मंडे को खुला, लेवल्स तोड़ा, एंड देन द होल वीक इट वाज इन द डाउन ट्रेंड गिविंग यू द मैक्सिमम प्रॉफिट बिफोर दिवाली। दिवाली के आपको ब्लॉकबस्टर बोनस प्रॉफिट करा के दिया गोल्ड सिल्वर और क्रूड तीनों ने मेरे एनालिसिस पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को जरूर देखिए और समझिए कि मैं ये एनालिसिस कैसे करता हूँ। और अगर आपको जानना है और सीखना है तो मेरे बैचेस नवंबर से चालू हो रहे हैं, दिवाली के बाद ही मैं चालू कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 जन को एक बैच में लेता हूँ, नॉट मोर देन 10 पीपल। अगर आपको सीखना है तो गेट इन टच विथ मी, आपको मैं एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो मेरा DTTS सिस्टम है एंड जो मेरा सुपर स्विंग सिस्टम है वो मैं सिखाऊंगा, ताकि आप ये गोल्ड में सिल्वर में इतना बड़ा बड़ा मूव को आप पहले से अनुमान कर सको और 1:1:5 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गैदर कर सको। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट वीक के प्लानिंग पे लगते हैं। नेक्स्ट वीक में गोल्ड सिल्वर में क्या होगा इस पे फटाफट अपने बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट है। नेक्स्ट वीक मेरे को गोल्ड फिर भी वीक लग रहा है, बट दिवाली का वीक है, दिवाली के शॉपिंग्स होगी तो थोड़ा हम लोग गोल्ड में बाउंस बैक का वेट करेंगे। आई थिंक गोल्ड आवर्ली चार्ट में आप देखोगे, पहले डेली चार्ट बहुत खराब है, डेली चार्ट में ये जो इतना बड़ा सेलिंग पैटर्न बना है, जैसे आप देखोगे इट्स अ वेव, जो मैं वेव वेव देखता हूँ, देखिए वेव अ सेल हाई बट नॉट क्लोजिंग दिस हाई, इस हाई के ऊपर नहीं गया, तो अल्टीमेटली हो सकता है आने वाले 2 सप्ताह में गोल्ड इस लो को तोड़े, इस लो को गोल्ड का टूटना तय है। ठीक है, आप देख सकते हो कितना बड़ा इनगल्फिंग बियर कैंडल इसने बनाया एक यहाँ पे, फिर 3 दिन कंसोलिडेट करके, फिर अगेन ऑन फ्राइडे 650 पॉइंट का कैंडल था, ये 950 पॉइंट के करीब का कैंडल था। आप देखो तो दिस 2,000 पॉइंट हम लोगों ने तो गोल्ड में एकदम प्रेम से, मतलब आप समझ पा रहे हो, 1,500 2,000 पॉइंट हम लोगों ने गोल्ड में इतने आसानी से बुक कर लिया कि समझ ही नहीं पाओगे कि मतलब मतलब इट वाज लाइक अ मिरेकल इन गोल्ड एंड सिल्वर की, मतलब आप लोग कैसे इसको एनालाइज करके पकड़ लेते हैं। देखिए सिंपली आप देखिए, गोल्ड का डेली का ट्रेंड खराब है, वीकली चार्ट अगेन दिस लेवल्स का रेजिस्टेंस जोन गया ठकाक नीचे दे दिया, RSI इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल्स। दोस्तों सीखना पड़ेगा, कमाना है तो सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। विकास वगड़िया का बकबक भी आपको सुनना पड़ेगा और इसी बकबक से आप सीखोगे। देखिए, RSI इज नॉट एबल टू ब्रेक दिस टॉप नाइदर गोल्ड। दोस्तों वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये अभी नीचे आएगा,
49,500। अल्टीमेटली मेरा गोल्ड का आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में मेरा अल्टीमेटली टारगेट गोल्ड में 45,000 है। मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि गोल्ड इज अ सेल ऑन राइस, जब ये रेजिस्टेंस के पास जाता है ठोकिए। एंड यहाँ पे अब मेरा ये थोड़ा सा बियरिश क्रॉस ओवर होने वाला है, तो देन दैट मीन्स गोल्ड में और फर्दर सेल ऑफ है। तो बट नेवरतheless अभी हम लोगों का ट्रेड प्लान नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में क्या होगा, इफ गोल्ड ब्रेक्स दिस लोस 49,947। चेंज कर कलर तो दोस्तों अभी हम लोगों का नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा कि गोल्ड प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये रेंज तोड़ता है, दिस इज आई थिंक कमिंग एट 50,000 के नीचे का, 49,947 प्रिसाइसली, अगर गोल्ड इसके नीचे जाता है तो गोल्ड विल बी अ सेल। बट आवरली चार्ट में इट इज ऑलमोस्ट इन द ओवरसोल्ड जोन, तो या तो 49,947 टूटता है शॉर्ट करिए, 50,100 का स्टॉप लॉस डालिए, बॉटम टारगेट पहला रखिए 49,560 का, एंड अगर उसको भी तोड़ देता तो देन द 49,000 टारगेट विल बी ऑन द कार्ड्स। और अगर ये मेरे को बाउंस मिल जाता है, एंड बाउंस में मेरे को इस जोन पे मिल जाता है ना 50,500, 600 और मे बी 50,700, मेरे को ये बाउंस जोन के करीब मिल जाता है और यहाँ पे 50,700 के पास अगर एक रिवर्सल कैंडल देता है ना, मान लीजिए यहाँ तक टच करने का, आवर्ली चार्ट में ध्यान रखिएगा इस जगह का 50,500 से 50,500-700 के पास से अगर ये यहाँ से टच करता है और अगर यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल देता है ना, देन इट विल बी अ सेल। ओके, अगर ये बॉटम लेवल तोड़ देता तो शॉर्ट करना ही करना, और अगर बाउंस में 50,500 से 700 के बीच में मिलता है और यहाँ से आवर्ली में एक रिवर्सल कैंडल देता है, तो 50,850 का स्टॉप लॉस डालिए और शॉर्ट करिए, देन दैट फर्स्ट टारगेट विल बी 50,200 एंड देन अगेन 49,600 टारगेट विल बी ऑन द कार्ड। तो ये गोल्ड का ट्रेड प्लान रहेगा दोस्तों। सिल्वर में भी दोस्तों सेम ट्रेड प्लान को मैं इनिशिएट करूंगा। सिल्वर का डेली चार्ट वीक है, बट दीज आर द वाइटल सपोर्ट जोन फॉर सिल्वर। ये सिल्वर के लिए 54,300 का जोन बहुत वाइटल सपोर्ट जोन है, जिसको भी सिल्वर ने क्लोज टू दिस इसको टेस्ट करने के क्लोजर पॉइंट पे है, और आवर्ली चार्ट में ऑलमोस्ट आफ्टर ह्यूज सेल ऑफ 4,000 पॉइंट्स, आवर्ली चार्ट में थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आवर्ली चार्ट में सिल्वर थोड़ा सा बाउंस देके वेट करिए 56,600, और बेटर होगा 57,500 के करीब अगर सिल्वर बाउंस बैक में मिल जाता है तो, अगर यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा हाई देके, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक हाई, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक हाई देके, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक हाई दे देके गिरा ना, अगर मेरे को शुक्र मतलब कमिंग वीक में 56,500 के ऊपर सिल्वर जाता और यहाँ पे स्पाइक देके एक क्लोजर देके नेक्स्ट डे अगर रिवर्सल कैंडल देता है, तो उसी के हाई पे देके 56,750 का हाई देके ठोक दीजिएगा बॉटम टारगेट 55,000 के लिए एंड मे बी फॉर 54,500, नॉट बिलो दैट सिल्वर। और अगर इस ट्रेंड को निगेट कर देता है सिल्वर, ठीक है, अगर सिल्वर इस ट्रेंड को निगेट कर देता है तो कोई इश्यूज नहीं है। सिल्वर अगर बाउंस में 57,800-900 जाके इस जगह जोन को टच करता है ना, 57,800-900 और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो 58,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, ठोक दीजिए लोअर टारगेट वापस वही 50, फिर आपका लोअर टारगेट पहला इस सपोर्ट जोन पे बनेगा 56,500 के करीब में, और 56,500 तोड़ता तो देन अगेन 55,500, ये दो टारगेट सिल्वर पे रहेंगे। क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल का चार्ट खराब हो गया, इसने मेरे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ दिया आवर्ली चार्ट में। क्रूड ऑयल में एस्केलेटेड सेल है, मंडे को 7,150-60 का स्टॉप लॉस का, अगर 7,150-60 के ऊपर क्रूड नहीं जाता आंख बंद करके बेच दीजिए 7,150-60 के स्टॉप लॉस पे, मेरे को लगता है क्रूड ऑयल का बॉटम टारगेट बनेगा 6,868 एंड देन 6,562।
तो दोस्तों ये कमोडिटी का आउटलुक है। वीडियो को थोड़ा छोटा रखा हूँ, आपको खाली मेन पॉइंट हाइलाइट्स किया हूँ। अगर आपको सीखना है कैसे करना है तो मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको इन चीजों को डिकोड करना और कैसे इतना बड़ा मुनाफा बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों, तो आपके लिए मैं और इसी तरह का बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल आइडियाज लेके आ सकूंगा दोस्तों। तो हैव ए अपकमिंग प्रॉफिटेबल वीक। बाय, टेक केयर।